हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबी इन्फोवेंट्री। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के बारे में प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। इन सब के बारे में अंडर सेक्शन 206 ए भी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब एक एग्जांपल की मदद से आपको ये क्लियर करता हूं। सपोज आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और आपके 10,000 वेंडर्स हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए एक फंक्शनैलिटी दी है। उस फंक्शनैलिटी के बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस फंक्शनैलिटी से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो टोटल 10,000 वेंडर्स हैं, उनके पैन नंबर्स में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और उसको चेक करने पर सपोज कीजिए आपको पता लगता है कि उसमें से 5 पैन नंबर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और जो बाकी 9,995 पैन नंबर हैं, उसमें ये क्लियर हो गया कि दे आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। तो 9,995 पैन नंबर स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नया नाम स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एड नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्स डिडक्टर है या टैक्स कलेक्टर है, वो इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो सकता है उसे 9,995 वेंडर्स और पैन नंबर के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वही उनसे डिडक्ट या कलेक्ट करेगा। यानी कि आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस उन पर डिडक्ट या कलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उन 5 या 5 पैन नंबर्स और वेंडर्स का, उन 5 लोगों का जो कि स्पेसिफाइड पर्सन्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उनका हायर टीडीएस काटना है। अब अगर वे उस स्पेसिफाइड पर्सन्स की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उनका भी आपको नॉर्मल टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है, ना कि हायर टीडीएस और टीसीएस। तो ये काम आपको 1 साल में सिर्फ 1 बार करना है, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में 1 बार ये करना है। तो हर साल ये लिस्ट जनरेट होगी और फंक्शनैलिटी में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर आप उसको उसी प्रोसेस से फिर चेक कर सकते हैं और उसके बारे में आप अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है या नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इस बारे में जो टैक्स डिडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए एक डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं या किसी के अकाउंट्स में डील करते हैं, आप उनके अकाउंटेंट हैं या आप कोई प्रोफेशनल भी हैं, तो बहुत सारी कंपनियां
लेटर इश्यू कर रही हैं, कुछ कंपनियां डिक्लेरेशन दे रही हैं और कुछ कंपनियां डिक्लेरेशन ले रही हैं और वो आपसे डिक्लेरेशन मांग रही हैं। तो मेरा आपको यह सजेशन है, फंक्शनैलिटी में चेक करना, ये तो एक तरीका हो गया। आप अपनी तरफ से भी एक सेफ्टी के तौर पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं और डिक्लेरेशन ले भी सकते हैं अपनी पार्टी से या वेंडर से। इसके जिस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन लेना है उसका ड्राफ्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। उन डिक्लेरेशन फॉर्म को आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे शेयर करता हूं वो प्रैक्टिकल तरीका कि किस तरह से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके टोटल वेंडर हैं उसमें से कितने स्पेसिफाइड पर्सन हैं और कौन कौन हैं जिनका आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मैंने जैसा अभी आपसे एक नई इनकम टैक्स की फंक्शनैलिटी के बारे में शेयर किया जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक नई फंक्शनैलिटी इश्यू करी है जिसका नाम है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। इस फंक्शनैलिटी की हेल्प से जितने भी टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर हैं वो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनको किस किस पर्सन का हायर टीडीएस काटना है, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं अंडर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। ये फंक्शनैलिटी जिसको मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पर अवेलेबल कराया है जिसका लिंक मैंने यहां पर आपको दिया है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप इस लिंक को क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये लिंक है report.insight.gov.in। इस पोर्टल को क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको कैसे अपने को रजिस्टर करना है, उसको कैसे इसे यूज करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी इज गिवन एज क्विक रेफरेंस गाइड फॉर कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शंस 206AB एंड 206CCA के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उन सबके सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ और क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं या आपके मन में आ रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABN Inventory पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में।
तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।